आते हैं कॉम्प्लेक्स टू पे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू का फंक्शन है कि वो क्या करेगा, फेरविन को एफ ए डी एच, एफ ए डी एच का डी हाइड्रोजनेशन करेगा, डिफरेंटली एन ए डी प्लस एच प्लस, वो क्या कर रहा है एफ ए डी एच से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दे दो इलेक्ट्रॉन कैरी बाय को एंजाइम क्यू, यहां पे जो इस कॉम्प्लेक्स टू को हम यहां पे सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है यहां पे फेरविन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा होता है। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू यहां पे क्या है कैरियर है, वो क्या करेगा कॉम्प्लेक्स टू से इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, उठाने के बाद वो क्या करेगा कॉम्प्लेक्स थ्री के पास ले आएगा। डेफिनेटली यहां पे उसने कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन को कहां से कॉम्प्लेक्स टू से उठाया और कॉम्प्लेक्स थ्री के पास लाया, यहां पे कोई हाइड्रोजन पंप नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा, एनर्जी कैरिंग यहाँ पे एनर्जी को कैरी कर रहा है। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है कॉल्ड साइटोक्रोम बी क्या करेगा, डेफिनेटली ये दो इलेक्ट्रॉन को, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, साइटोक्रोम बी ने। फिर साइटोक्रोम बी डेफिनेटली यहां पे एक मॉलिक्यूल है आयरन सल्फेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे आयरन सल्फेट के पास, और आयरन सल्फेट यहां पे कैरियर है वो इसको उठाएगा, किसको देगा डेफिनेटली साइटोक्रोम सी वन को, साइटोक्रोम सी वन को। फिर साइटोक्रोम सी वन से ये इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करेगा, साइटोक्रोम सी यहां पे क्या करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम सी, अभी साइटोक्रोम सी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थ्री से कॉम्प्लेक्स फोर के पास क्या करेगा कैरी करेगा। डेफिनेटली यहां पे साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन को कहां पे ट्रांसफर कहां पे ले गया कॉम्प्लेक्स फोर के पास, यहां पे एक मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स फोर में जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम ए क्या करता है इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए साइटोक्रोम ए के पास, अभी ये साइटोक्रोम ए से ये साइटोक्रोम ए थ्री के पास आ जाता है, यहां पे क्या होगा एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो क्या करेगा वो ये दो इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली ट्रांसफर करेगा किसके पास ऑक्सीजन के पास, डेफिनेटली हम ब्रीथ कर रहे हैं सांस ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया भी कहां पे यूटिलाइज हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है तो ये यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। डेफिनेटली यहां पे दो हाइड्रोजन डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम सी पे आएंगे तो यहां पे कितने डेफिनेटली फोर हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, यू ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो यहां पे डेफिनेटली दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, कितने हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन दो मिलकर डेफिनेटली ये दो हाइड्रोजन 1/2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएंगे। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन ये जो हाइड्रोजन है डेफिनेटली यहां पे 4+2 ये हो गए दो, डेफिनेटली चार जब हाइड्रोजन पंप होंगे डेफिनेटली 1, 2, 3, 4 जब ये फोर इलेक्ट्रॉन यहां से जब ये यहां पे पंप होंगे फोर हाइड्रोजन जब ये फोर हाइड्रोजन यहां पे पंप होंगे तो इसके नतीजे में
एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी क्या करता है, ए ए डी पी को प्लस फास्फेट आयन को आपस में मिला देता है और बन जाता है ए टी पी। इसका मतलब है एक एफ ए डी से 1.5 एटीपी बनता है। और डेफिनेटली एनएडीएच के नतीजे में 10 एटीपी बने थे। डेफिनेटली फोर से एक और टू यानी 0.5 यानी 2.5 एटीपी बनेंगे। किसके नतीजे में, एनएडीएच। जब एक एनएडीएच फूटता है तो उसके नतीजे में 2.5 एटीपी बनते हैं, और एक एफएडीएच टूटता है उसके नतीजे में 1.5 एटीपी बनते हैं। तो ये था। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि एनएडीएच और एफएडीएच कहां से आ गए। डेफिनेटली हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है किससे, ग्लूकोज से। डेफिनेटली इसका ब्रेकडाउन होता है डेफिनेटली ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। जब इसका ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं पाइरुवेट। फिर पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एसिटाइल को एंजाइम बनता है। फिर एसिटाइल को एंजाइम का भी ऑक्सीडेशन होता है। फिर वो कहां पे होता है, डेफिनेटली क्रिप्स साइकिल में। यहां से ऑक्सिनो एसिटेट आता है और यहां पे एसिटाइल को ए। फिर इसके नतीजे में यहां पे डेफिनेटली एन ए डी, और जब इसके साथ यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है तो बन जाता है एन ए डी एच। यहां पे भी एन ए डी एच, और यहां पे एफ ए डी एंड एफ ए डी एच, एन ए डी एच एन ए डी एन टू एन ए डी एच। अब ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन ये सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको मजीद टूटना तोड़ना पड़ता है। एनएडीएच भी जो है यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकता, इसको भी तोड़ना पड़ता है। ये कहाँ पे टूटेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसके बाद आखिर में जाकर हमें एटीपी मिल जाता है। ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पे जहन में रखना, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसी तरह प्रोटीन। जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो डेफिनेटली हमारे प्रोटीन टूट कर हमें एटीपी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है। डेफिनेटली प्रोटीन बना हुआ है किस चीज से, ये किस चीज में टूट जाता है, डेफिनेटली किसमें, अमाइनो एसिड में। डेफिनेटली अमाइनो एसिड फिर टूट जाता है पाइरुवेट में, फिर पाइरुवेट एसिटाइल को ए, फिर ये क्रिप्स साइकिल में चला जाता है और फिर एनएडीएच बनाता है और एफएडीएच बनाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और एटीपी बनाएंगे। इसी तरह अगर प्रोटीन की कमी था तो हमारे जिस्म में लिपिड, अगर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो डेफिनेटली लिपिड हमारे जिस्म में टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिपिड डेफिनेटली ग्लिसरेट में टूट जाता है या फैटी एसिड में टूट जाता है।
अगर ये एसिटाइल ग्लिसरेट में टूट जाता है फैट लिपिड, तो इसको पहले इसका क्या होगा, आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में डेफिनेटली मैंने पढ़ाया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे जो दरमियान में ग्लिसरेट बनता था, फिर ग्लिसरेट, फिर पैरामेट में, फिर पैरास्टाइल को ए में, फिर एसिटाइल को ए से क्रिप साइकिल में, फिर एनएडीएच और एफएडीएच बनते थे। इसी तरह लिपिड जब फैटी एसिड में टूटा तो ये चला जाएगा एसिटाइल को ए, पैरावेट से नहीं गुजरेगा, ये एसिटाइल को ए, फिर एसिटाइल को ए से फिर ये क्रिप्साइकल में चला जाएगा और एन ए डी एच बनाएगा एफ ए डी एच, फिर ए एन ए डी एच एफ ए डी एच, फिर कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर क्या बनाएंगे ए टी पी, फिर उसको सेल यूटिलाइज कर लेता है। आई होप यू आर